हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगा आप देख सकते हैं। कोई भी स्पेसिफिक जेंडर के लिए नहीं है, मेल फीमेल कोई भी इसको देख सकता है। सिंगल, मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्स, जो सबके लिए ओपन है। सारे रिलीजन के लोग, सारे कास्ट कल्चर के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये मेरा पर्सनल रीडिंग का नंबर है। जिनको भी लग रहा है कि पर्सनल रीडिंग लेना चाहिए एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए, सही जानकारी के लिए, आप लोग पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। लेकिन ये रीडिंग पेड होते हैं, इसके लिए पे करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, करंटली वो क्या सोच रहे हैं। प्लीज एंजल गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। वाह, आज पहला ही कार्ड एट ऑफ वैंड्स की आया है गाइस। पहला ही कार्ड जो है मैसेजेस का आया है, पहला ही कार्ड कॉल का आया है। जिस भी सिचुएशन में आपके पर्सन स्टक हैं, जहां पर भी स्टक है, ट्रैप्ड है, वहां से बाहर आने वाले हैं, ठीक है, और बाहर आएंगे। एट एट की एनर्जी है। के साथ न्यू बिगिनिंग करने के लिए यहाँ पर कोई ना कोई पावरफुल डिसीजन यहाँ पर आपके पर्सन लेंगे। उनका इमोशन हाई है आपके लिए। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पास्ट के बारे में सोच रहे, पास्ट में आप दोनों जो भी टाइम स्पेंड किया था एक साथ, उसके बारे में सोच रहे। बहुत ज़्यादा इमोशनल है गाइस। साइंस की अगर बात करें, यहाँ पर सारे साइंस है, क्योंकि बैंड्स की एनर्जी है, सोर्स की एनर्जी है, कप्स की एनर्जी है, पेंटिकल की एनर्जी अभी नहीं आए हैं, मतलब टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन को छोड़ के बाकी सारे साइंस आ चुके हैं। वो भी आ जाएंगे दूसरे डे जब मैं यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर देखिए, कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एस ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। तो बहुत ही ज़्यादा आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, हद से ज़्यादा मिस कर रहे हैं। हो सकता है कल रात को उन्होंने रोया भी होगा। जब भी आप रीडिंग देख रहे हो, उसके पहले नाइट में आपके पर्सन रोए भी होंगे। इस तरीके का भी वाइब्रेशन है, ओके। अगर आपको फिश की एनर्जी ड्रीम में दिख रहे हैं, वाटर की एनर्जी ड्रीम में दिख रहे हैं, तो ये एनर्जी आपसे बहुत ही ज़्यादा रेजोनेट करेंगे, ओके। अगर आपको ड्रीम में ईगल दिख रहा है, तो आपके पर्सन ज़रूर आपके तरफ कोई ना कोई पावरफुल डिसीजन वो लेंगे। अदरवाइज भी यहाँ पर आपके पर्सन आपके तरफ वापस आने के लिए मुझे दिख रहे हैं कि वो खुद, जैसे कि किसी चीज़ में उनको जीत हासिल हो गया है और वो दौड़ के भाग के आपके तरफ आ रहे हैं, ठीक है। जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं उसको पार करके वो आपके तरफ आ रहे हैं, दौड़ के आ रहे हैं इस कार्ड में, जैसे कि दिख रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है गाइस आपके पर्सन। साथ ही साथ किसी सिचुएशन में स्टक हो सकते हैं। चलिए देखते हैं और क्या एनर्जी है आपके पर्सन की। कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर एज में छोटे हो सकते हैं आपसे, और कुछ लोगों के पर्सन जिनके पर्सन एज में बड़े हैं उनसे, उनका एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। अगर आपके पर्सन आपसे एज में बड़ा है तो उनका एज डिफरेंस ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, फ्यू लोगों को कर सकता है। प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी कैसा है, करेंटली क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन जो लोग भी रीडिंग को देख रहे हैं उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं करेंटली, मेरे व्यूअर्स के पर्सन करेंटली क्या सोच रहे हैं। कंप्लीशन चाहते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आपके साथ
फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। करंट एनर्जी कैसा है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, और रिग्रेट में है कि पास्ट में उन्होंने जानबूझ के गलती किए हैं, पास्ट में उन्होंने आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, आपको नेगलेक्ट किया, ठीक है, आपको सही से ट्रीट नहीं किया, जिसकी वजह से ये डिस्टेंस क्रिएट हुआ है आप दोनों के बीच। आपके पर्सन किसी सिचुएशन में स्टक हो गए हैं, ओके, लेकिन फिलहाल वो चाहते हैं कि आपके साथ ही दोबारा रिश्ते स्टार्ट करना, फैमिली क्रिएट करना। अगर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो एक दूसरे से, तब वापस आना, फिर से हैप्पीली लाइफ को सर्वाइव करना, इस तरीके का एनर्जी है। करेंट फीलिंग क्या है प्लीज सेंट्रल गाइड करें। एक साथ बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, इतने सारे कार्ड्स मैं नहीं लूँगी एक साथ, प्लीज सेंट्रल गाइड करें। करेंट एनर्जी कैसा है, स्पाई कर रहे आपके पर्सन। और देखिए ये कार्ड डेक को डेक से गिर गए हैं, नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी है यहाँ पर, तो बहुत ही क्विकली वापस आना चाह रहे हैं आपके पर्सन। हार्मिट मोड में है, अकेले में है, आइसोलेशन में है, ठीक है, सोच विचार चल रहा है कि कैसे वो आपकी तरफ आए। कोई ना कोई डेविलिश एनर्जी यहाँ पर है जहाँ पर आपके पर्सन स्टक है, लेकिन वहाँ से मूव ऑन करने वाले हैं। सिक्स ऑफ सोर्स की एनर्जी है, उस डेविलिश एनर्जी से मूव ऑन करेंगे और वहाँ से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, और बहुत ही क्विकली आपके तरफ कॉल मैसेज आ सकता है गाइस। आपके पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर है जहाँ पर आपके पर्सन दुखी हैं, कंफ्यूज्ड है, क्या करे ना करे उनको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे कंफ्यूजन चॉइसेस हो सकते हैं उनके लाइफ में, और जो चॉइसेस उनका थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, लेकिन आपके पर्सन आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, आपको कमिट करना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर शादी की भी कार्ड आ गए हैं, मैरिज के कार्ड आ गए, फोर ऑफ बैंड्स के कार्ड आ गए, तो आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं गाइस, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। तो यहाँ पर सारे साइंस निकल कर आ गए हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी आ गए हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एरिस लियो सजिटेरियस एंड एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी, सारे ही एनर्जी आ गए गाइस। और यहाँ पर आपके पर्सन आपके लिए इमोशनल है, आपको कोई ना कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज वो कर सकते हैं, इमोशनली एक्सप्रेस करेंगे। आज के दिन में बहुत ज़्यादा वो इमोशनल हो रहे गाइस, जैसे जैसे फुल मून करीब आ रहा है उनका इमोशन और ज़्यादा हाई हो रहा है आपके लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या ले सकते हैं आपके पर्सन आपके तरफ, प्लीज जो गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे, मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे, प्लीज एंजल गाइड मी मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे, मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे। प्लीज एंजल गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे, नेक्स्ट एक्शन यहाँ पर क्या होने वाला है। देखिए मैंने जैसे कि बोला शादी के लिए वो आपको कमिट करना चाहते हैं, जो लोग सिंगल हो यहाँ पर शादी के लिए कमिटमेंट आएगा, जो लोग ऑलरेडी एक दूसरे से मैरिड हो यहाँ पर यूनियन रिकॉन्सिलेशन होने के चांसेस हैं, टाइम आपके तरफ चेंज होगा। और देखिए यहाँ से मून की भी एनर्जी है, सन और मून, तो आप दोनों एक दूसरे का काउंटर पार्ट होगा, इसीलिए सन मून आया है, कपल आए हैं, मास्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पर निकल कर आए हैं, तो आप लोग का रियूनियन बहुत करीब है, ठीक है, बहुत ही जल्दी आप लोग का रियूनियन हो सकता है। और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं और आपसे शादी भी करना चाहते हैं, यहाँ पर एंगेजमेंट का भी रिंग है यहाँ पर, तो जो कि सीधा सीधा एंगेजमेंट को दिखा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो परमानेंट वाला रियूनियन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके पर्सन। जो भी सेपरेशन है आप दोनों के बीच वो सेपरेशन एंड होगा,
आपके लिए वो वेटिंग सिचुएशन में है, आपको स्पाई कर रहे हैं, देख रहे हैं दूर से, ठीक है, और फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपके तरफ, प्यार भी है, ओके, और बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी में आ रहे हैं आपके पर्सन। अगर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग पर्सन था, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन था, तो उनके अंदर जो इमोशन है वो धीरे धीरे खुल रहा है, ओपन हो रहा है। जो भी आप दोनों के बीच सेपरेशन चल रहा था, दुख दर्द वाली एनर्जी चल रहा था, फैमिली की वजह से सेपरेशन हो गया था आप दोनों के बीच, या तो फिर किसी ना किसी फाइट या फिर कास्ट कल्चर इशू की वजह से सेपरेशन आया था, तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है परमानेंट वाला रियूनियन आपके साथ चाहते हैं। जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहा था आप दोनों के बीच, उस ऑब्स्टिकल्स को एंड करने के बारे में सोच रहे हैं। बॉटम से फिर मैसेजेस के कार्ड हैं, तो यहाँ पर बातचीत हो सकता है घंटों आपके साथ अगर वो कॉल मैसेज करते हैं तो। तो गाइस ये था आज के दिन में कलेक्टिव जनरली करेंट फीलिंग का रीडिंग। तो ये हर कोई देख सकता है, कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट सभी देख सकते हैं। तो फिलहाल इस रीडिंग को मैं यहाँ पर ही एंड कर रही हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर योर सेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।